यमुनानगर से बड़ा अपडेट दे रहा हूं आपको। बारिश के बाद से हालात खराब है। जिले के कई इलाकों में जलभराव हो गया। शहर में जलभराव के कारण लोग परेशान हैं। कई फीट तक गलियों में पानी खड़ा हो गया। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। यमुनानगर से बड़ी खबर दे रहे हैं, जलभराव के कारण लोग परेशान हैं। तो यमुनानगर से देख रहे हैं आप ये तस्वीरें। कई फीट तक पानी भर गया गलियों में और इस वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अहम खबर देख रहे हैं आप यमुनानगर से, जलभराव के कारण लोग। रजनी सोनी हमारी साथी फोन लाइन पर मौजूद है, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। रजनी, शहर में फिर एक बार पानी पानी हो गया है यमुनानगर में और जिले के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, क्या अपडेट है रजनी आपके पास? लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मुमताज, एक बार फिर से वैसे ही हालात यमुनानगर में देखने को मिले हैं। यमुनानगर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जलभराव हुआ है। पानी जो है वो कई कई फीट गलियों में घुस चुका है और लोगों के घरों में भी कई कई फीट पानी जो है वो घुस चुका है। और यमुनानगर जिलाधरी में रात से 215 mm बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। और हर बार ही ऐसे हालात जो है वो यमुनानगर से सामने आते हैं। लोगों में काफी यहाँ रोष भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि हर बार ऐसे ही हालात होते हैं। जबकि लोगों जब भी किसी नेताओं को वोट चाहिए होता है तब तो वो मोहल्लों में आते हैं, लेकिन अब उनके हालात पूछने कोई भी नहीं आया है। लेकिन यमुनानगर में अभी जो गुलाब नगर में ही मैं इस समय खड़ी हूँ और वहाँ पर लोगों के घरों में ठीक है। रजनी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।